दुष्कर्म के मामले में आरोपी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा। दुष्कर्म के मामले में आरोपी गणेश को आजीवन कारावास में 75,000 के जुर्माने से दंडित किया। आरोपी ने 2018 में एक नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म किया था। पीड़िता के पिता ने मामले की रिपोर्ट नसीराबाद सदर थाने में दर्ज कराई थी, जिसके तहत आज न्यायालय ने आरोपी को सजा सुनाई। ग्यारह 2018 की घटना है। ग्राम भगवानपुरा नसीराबाद सदर थाना का मामला है। इसमें पीड़िता के फादर ने उपस्थित थाना होकर एक रिपोर्ट दी थी। पीड़िता 7 वर्षीय बालिका थी। ये एक नाच गाने के प्रोग्राम में गई हुई थी। वहाँ से गणेश नाम का मुलजिम जो भगवानपुरा का रहने वाला था उसको उठा के ले गया, उसके साथ दुष्कर्म किया। उसके शरीर पर 15 चोटें आई थी, उसके साथ मारपीट भी करी, जिस पर नसीराबाद थाने ने फिर मुकदमा दर्ज किया और गणेश के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया गया। इसमें आज पोस्को टू न्यायालय ने बहुत अहम फैसला सुनाया है। श्री राजीव चंद्र जी गुप्ता जी ने इसमें गणेश को, मुलजिम गणेश को आजीवन कारावास टिल डेथ तक, जीवन पर्यंत तक की सजा सुनाई है और 75,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया। कितने दस्तावेज इसमें 29 गवाह एग्जामिन हुए, 21 दस्तावेज प्रदर्शित हुए हैं और इसमें एक विशेष रूप से जज साहब ने टिप्पणी भी करी है कि बच्ची की जो उम्र है 7 वर्षीय बच्ची थी, उसकी इस कृत्य से उसके मानसिक कितना प्रभाव पड़ेगा इसको देखते हुए मुलजिम के खिलाफ कठोर से कठोर इसमें दंड दिया है और इसको आजीवन कारावास। कौन से थाने का? नसीराबाद सदर थाने का मामला है। ये कहाँ का रहने वाला है? मुलजिम भी वही भगवानपुरा का रहने वाला था, नसीराबाद सदर थाने इलाके का रहने वाला था। विशिष्ट लोक अभियोजक विक्रम सिंह।